इसका बाल बाल पूरा हवा में उड़ रहा है लेकिन हिल भी नहीं रहा है। व्हाट इज दैट मैन, ये क्या है? शिट, भागते हैं इधर से। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो स्वागत है और एक नया ब्लॉग में। आज ना वीडियो कैसा होगा पता नहीं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल हूँ पेरिस, आई मीन टू से फ्रांस में। तो बाहर आ गया शिप से, इधर देखो बस खड़ा है। अभी बस से चलूँगा और जाऊँगा मेन सिटी में, क्योंकि इधर नज़दीक कुछ नहीं है, नहीं जाना पड़ेगा मेन सिटी में। उधर जाके थोड़ा घूमेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है। तो चलो चलते हैं सिटी में। जैसे कि गाइस देख सकते हैं, अभी आ गया मेन सिटी में। ये देखो बस से सब उतर गया, पैसेंजर भी आ गया, मैं भी आ गया। अभी थोड़ा घूमूंगा इधर, आज मेरे साथ कोई आया नहीं, मैं अकेला ही आया। देखो इधर कितना अच्छा है। आज क्या पता, इधर का थोड़ा थोड़ा सब बंद दिख रहा है। चलो जो भी हो, थोड़ा घूमता हूँ आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। एट्रैक्टिव लगा तो मैं आप लोग को साथ वो दिखाना चाहता हूँ। ये देखो मेरे पीछे में ही है, ये इसका ना एक सीन है। मतलब आज से ये साल कितना, 1914 टू 1918 के अंदर इधर ना कुछ एक युद्ध हुआ था, वॉर हुआ था। तो इसीलिए मिलिट्री लोग को, आर्मी लोग जो शहीद हुआ था उसको सम्मानित करने के लिए ये बनाया रखा गया है इधर। तो पीछे जो दिख रहा है ना वो वाला ब्रिज, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं उधर जाऊँगा। लेट्स गो। ये देखो ये है ब्रिज, ये नीचे है पानी, ये देख सकते हो। और उधर देखो एक लड़की, ये क्या कर रहा है? इसे देखो एक ये जैसा दूल्हा जैसा दूल उधर बैठा है। लड़की या क्या है, स्टैचू है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। हिल ही नहीं रहा है, वैसे ही करके बैठा है। अरे हाँ यार, ये क्या है? इसको दिख रहा, आप लोग देख सकते हो, मेरा फ़ोन का कैमरा पता नहीं कैसे दिख रहा है। इसका बाल बाल पूरा हवा में उड़ रहा है लेकिन हिल भी नहीं रहा है। व्हाट इज दैट मैन, है क्या ये? शिट, भागते हैं इधर से। तो गाइस ये देखो, ये है फ्रांस, खाली सुनसान, सिर्फ कार है बस। इधर भी देखो सुनसान, क्या है ना, आज संडे है तो बस ख़त्म। ये इधर ना एक मजा का बात है, इधर ना प्राइवेट वाला जो काम करता है उसका भी संडे सैटरडे ऑफ रहता है। जी घूमते घूमते इधर आ गया, इधर एक चर्च देखा, जिसका ये चर्च में थोड़ा गूगल में सर्च किया, इसका नाम है सेंट जोसेफ चर्च। तो चलो इसके अंदर जाके आप लोग को थोड़ा दिखाता हूँ क्या है इसके अंदर, क्या है। तो गाइस उधर ना एक बॉक्स था, उधर से लिखा था कि ऐसा ये ना एक्चुअली ये पोस्टल है, पोस्टल कोड ये ले सकते हो, उसके मतलब 50 सेंट देना पड़ेगा। तो मैं 50 सेंट दे के ये वाला ले लिया। कैसा लगा, बहुत अच्छा है ना ये पोर्ट्रेट, सॉरी फोटो। आप लोग ना मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, आप लोग भी शायद ऐसा ही होता है। कभी भी अगर कहीं चार्ज पे जाओ ना, मतलब दिल ही नहीं करता है कि कुछ बातें करें। मतलब इतना शांत, इतना शांति छा जाता है, मतलब पूरा पिन ऑफ साइलेंस। मैं चुपचाप बैठे रहे, थोड़ा भगवान को याद करे। को बता दे कि अभी मैं फ़िलहाल हूँ ला हार्वे सिटी में फ्रांस का। इधर से ना पेरिस ज़्यादा दूर नहीं है, एक ही घंटे, एक डेढ़ घंटा का दूर है। और जो कि आप लोग अगर इधर से जाएंगे तो मतलब टैक्सी ट्रेन और बस में ना मतलब $100, उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा, मतलब सॉरी $100 नहीं, इधर तो पाउंड यूरो चलता है,
100 यूरो या 150 यूरो ऐसा कुछ लगता है। तो गाइस मैं ना आप लोग को एक चीज़ दिखा रहा हूँ, देखो ये वाला जो ड्रेस है, अभी तो बंद है तो नहीं तो मैं अंदर जाके दिखाता। ये वाला ड्रेस का प्राइस कितना है पता है? ये देखो, ये देखो 1995 यूरोस, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 लाख से भी ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2 लाख के नज़दीक। ये वाला ड्रेस देखो, बंद है तो इसलिए शीशा का बाहर से दिखा रहा हूँ। ये वाला ड्रेस का प्राइस है, ये देखो 1595 यूरोस, 1.5 लाख। जैसे कि गाइस इधर देखो, फ्रांस में भी इंडियन रेस्टोरेंट है, अगर कोई आता है इधर और उसको इंडियन खाना मांगता है तो इधर से खा सकता है, न्यू दिल्ली करके। वेज नॉन वेज सब कुछ मिलता है इधर, बिरयानी वगैरह बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, जैसे 10 यूरोस, 12 यूरोस, समथिंग लाइक दैट। घूमते घूमते मिल ही गया मार्केट जिधर पूरा सब कुछ बिक रहा है। इधर देखो मतलब चिकन वगैरह, इवन समोसा, देन पकौड़ा वगैरह, इंडियन वाला, बंगाली वाला सब मिल रहा है इधर। तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्या प्राइस है इधर का, 1 किलो चिकन का या इधर का क्या प्राइस है, देख सकते हैं। ये देखो 1 किलो 1 kg चिकन प्राइस 10.30 यूरो। सो 10.30 यूरो मीन्स ऑलमोस्ट 850 रुपये। ये क्या है, ये भी चिकन है 13, देखो कितना महंगा है। इधर ये टॉवल बिक रहा है, क्या बोल रहा है क्या पता। गाइस तो ये देखो, ये है चीज, वैरायटी ऑफ चीज, और ये अपना स्प्लैनेट जैसा देखो, इधर भी वो मनी पर्ट्स वगैरह ऐसे करके सब एक ही है। मतलब फ्रांस है बोले तो थोड़ा अच्छा वाला ऐसा, अच्छा भी है लेकिन वो इंडिया वाला फील भी है इधर अगर देखा जाए तो। देखो इधर बिच रहा है, क्या बोलते हैं इसको क्या पता। देखो अपना जो स्प्लैनेट में जैसा वो स्पीकर वगैरह हेडफोन वगैरह बिकता है ना, पैसा वाला पूरा सेम मोबाइल कवर, फुल कॉपी। तो एक फुल कॉपी का प्राइस कितना है देखो, 1.9, मतलब एक फुल कॉपी का, मतलब क्या बोलते हैं इसको पता नहीं हिंदी में, जो भी हो फुल कॉपी बोलते हैं, तो उसका प्राइस है 100 रुपये, 100 रुपये। और ये है कारपेट, अरे बाप रे, ये कारपेट तो मस्त है, ये वाला कारपेट बहुत पूरा एकदम अच्छा वाला कारपेट है। हाँ hey गाइस, जरा आलूर जन्य एत भलो, आलुर दाम बेड़े जा, आलुर दाम बेड़े जा। देखो एखे 1 किलो आलुर दाम 3.90, मैं 4 यूरो, सो अलमोस्ट 360 टाका। 1 किलो आलुर दाम 360 टाका, किंतु आलूगुलर क्वालिटी अनेक भलो। तो देखो गाइस बेगुन पूरा एकदम खेतर बेगुन। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये है बेगुन ब्रिंजल, पूरा खेत का बेगिन। इसका प्राइस है 3.80, मतलब वही लगभग 360 रुपये। तो गाइस ये देखो कांदा, कांदा ही तो बोलते हैं ना, प्याज, अनियन। तो अनियन का प्राइस है, वाइट वाला अनियन का प्राइस है 3.90 यूरोस, और ये वाला है, ये सस्ता है 2.30। ये कैरेट, गाजर, गाजर कितने का है 1.55। ये देखो इधर कपड़ा, टी शर्ट लेडीज लोग का और टॉप वगैरह, इधर जूता, वो सब सेल हो रहा है पूरा। मेरे को वो वाला फील आ रहा है, क्या बोलते हैं उसको, स्प्लैनेट वाला। गाइस घूमते घूमते थोड़ा भूख लग गया था तो इसीलिए चॉकलेट बार खरीद लिया, और मेरे को तो चॉकलेट खाना थोड़ा अच्छा लगता है। इधर ना मैं आप लोग को दिखाऊंगा, अभी इधर देखो समोसा बिक रहा है, इन प्राइस कितना है क्या पता, अगर रिजनेबल प्राइस होएगा तो मैं भी लेगा इधर।
तो गाइस देखो इधर इंडियन गाय लग रहा है, इधर समोसा बिक रहा है लेकिन थोड़ा महंगा है, ऐसे ही 20 यूरो 15 यूरो ऐसा एक एक समोसा का। तो गाइस भूख लग गया था इसीलिए ये खरीद लिया। अच्छा बाहर चॉकलेट और अंदर पूरा कोकोनट। अबे पुलिस पुलिस गया, देखो मेरे को पता नहीं पीछे से आया।